आईडी ब्लास्ट बम हुआ है और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। चुनचुना पुनदाग में ये ब्लास्ट हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ की कई टीमें सर्चिंग पर है और टीम द्वारा बिछाए गए आईडी बम आकाशीय बिजली के चलते ये ब्लास्ट हुआ है और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सभी आईडी जंगलों में प्लांट किए गए थे। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर ब्लास्ट हुआ है और पुलिस सीआरपीएफ की कई टीमें वहां मौजूद है। नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी पर ब्लास्ट हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से यह ब्लास्ट हुआ है। हालांकि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं है। चुनचुना पुनदाग में यह ब्लास्ट हुआ है। ये नक्सलियों द्वारा बिछाई गई थी आईडी जिस पर आकाशीय बिजली गिरने से ब्लास्ट हुआ है और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बलरामपुर से जुड़ चुके हैं सुनील पासवान फोन लाइन पर। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, जैसे आकाशीय बिजली गिरने की पहली वजह बताई जा रही है, आखिरकार क्या कुछ इस बारे में आपके पास अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर चुनचुना बुंदाग है जहाँ पर ब्लास्ट नक्सलियों ने द्वारा बिछाए गए आईडी बम आकाशीय बिजली के चलते हुआ है। ब्लास्ट पर यह जवान को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई थी आईडी जंगल में, जिससे कि आकाशीय बिजली के चलते ब्लास्ट हुई, जिसमें लगभग 50 से अधिक आईडी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए थे। और जी 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 बताइए, इसमें किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है और जब पता चला पुलिस वाले को तो वहाँ सर्चिंग पुलिस और सीआरपीएफ की टीम लगी हुई है। जी, तो क्या लगता है कि जो इस घटना के बाद पुलिस के क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी में और जो सीआरपी जवान वहाँ अलर्ट हो गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से एंटी लैंड माइंस वाहन भी जिले से भेजे गए हैं? जी, भेजे गए हैं, काफी सर्चिंग कर रहे हैं, अभी पूरी जानकारी नहीं आ पाई है। जी, यानी कि मान लिया जाए कि जिस तरह से हम बात करें कि आकाशीय बिजली ने जो जवान है उनकी जान बचा ली है, यदि आकाशीय बिजली नहीं गिरती तो ये कहीं ना कहीं जवानों के लिए नुकसानदायक हो सकती थी, तो ये माना जाए कि आकाशीय बिजली ने जवानों की जान बचा ली है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पासवान इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी का ब्लास्ट हुआ है और आकाशीय बिजली गिरने से ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि बलराम